मामले में वह भारतीय खिलाड़ियों में पांचवें स्थान पर है। और कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। हरियाणा के पंचकुला में सीबीएसई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉलमार्क पब्लिक स्कूल में मार्क 10 शूटिंग रेंज में आयोजित टूर्नामेंट में देश के 8 जोन से लगभग 800 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करने पहुंचे। खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट में अच्छी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली। आयोजक मानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिता से न केवल युवा खिलाड़ियों को मंच मिलता है बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। भारत में खेलों के स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका एक बड़ा कारण ग्राउंड स्तर पर खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रतियोगिताएं मुहैया कराई जा रही हैं। निशानेबाजी की स्कूल स्तर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता सीबीएसई राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। हॉलमार्क स्कूल की मार्क 10 शूटिंग रेंज ने इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जहां देश भर से स्कूली छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने पहुंचे। प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी ऊंचा दिखा और खिलाड़ियों में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले हुए। आयोजक मानते हैं कि जैसे जैसे खेलों में अत्याधुनिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, खिलाड़ियों को इसका अच्छा फायदा हो रहा है। बुल्स आई को कैसे हिट किया जाए, टेन को कैसे हिट किया जाए, तो हमने भी अपनी शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम हमने उसी पे ही रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्क्स 10 शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी। और जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि भारत सरकार जो भी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको बहुत ही मोटिवेट करते हैं आगे आने के लिए। और स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी देश का परचम जो है वो लहराया जा सकता है। और आज की डेट में तो स्पोर्ट्स में भारत बहुत मेडल लेके आ रहा है, तो हमने भी अपनी मार्क 10 शूटिंग रेंज में भी ओलंपिक्स का एक सिंबल जो है सब बच्चों को लगा दिया कि अल्टीमेट टारगेट सबका यही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार खेलों में नए तरीके अपना रही है, चाहे वो खेलो इंडिया हो या फिट इंडिया या सरकार द्वारा चलाई जा रही टॉप स्कीम्स। खिलाड़ियों की तैयारियों में तमाम चीजें अहम योगदान दे रही हैं और इसके सफल परिणाम आज सभी के सामने हैं। गर्व से हम कह सकते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान की जो शूटिंग की टीम है वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और हम खूब मेडल जीत रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स है, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और उम्मीद करूंगा कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स है उसमें भी हमारे जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं झंडा गाड़े। और मैं दूसरा इसके लिए भारत सरकार विशेष तौर पर खेल मंत्रालय का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, SGFI का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने खेलो इंडिया के माध्यम से, टॉप स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों को बहुत प्रमोट किया है। छोटे स्तर पर खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष उनके ओलंपिक में पदक जीतने के सपने को एक नई उड़ान दे रहा है। प्रतियोगिता आयोजित करने वाली रेंज मार्क 10 में भी ओलंपिक को प्रदर्शित किया गया, जिससे खिलाड़ी ये महसूस कर सके कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है। साई की और उनकी गवर्नमेंट की रेंज है, उनके पास तो फैसिलिटीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट रेंज होती है तो उनके पास उनके कंपेयर रीजन में ये सबसे अच्छी रेंज है और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड लगे के सिस्टम लगे हुए हैं। स्कूल लेवल से स्टार्ट होकर वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सके और इंडिया के लिए मेडल ला सके। बहरहाल प्रतियोगिता में विजेताओं ने जहां विभिन्न वर्ग में पदक जीते, वहीं स्कूली स्तर पर इन खेलों के आयोजन से युवा निशानेबाजों को अपना नाम रोशन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।